नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा अब तक। मैं पुष्पेंद्र सिंह राजपूत आपको दिखा रहा हूँ एक खास सड़क। जुड़ी जाए बताते हैं कहाँ की सड़क है। वैसे मैंने हेडिंग में लिख दिया है कहाँ की सड़क है। और जैसा कि आपको पता होगा, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जनता दरबार है और आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। यहीं पास में आ रहे हैं सीएम साहब। मुश्किल से यहाँ से 400 मीटर दूर है जहाँ सीएम साहब आ रहे हैं। और कल मैंने लिखा था कि सीएम साहब आ रहे हैं, जनता दरबार लगाएंगे, तो आप में से तमाम दोस्तों ने लिखा कि सेक्टर 11 की सड़क पर ले आओ सीएम साहब को और दिखाओ कैसा विकास है। ये देखें, मुख्य सड़क है, सेक्टर की सड़क है, किसी देहात की सड़क नहीं है, किसी कॉलोनी की सड़क नहीं है, किसी गाँव की सड़क नहीं है। अभी दिखाते हैं क्या हाल है इस सड़क का। अभी तो शुरुआत है, जुड़ जाएं, दिखाते हैं पूरी सड़क। एक ऑटो वाले भाई साहब कैसे जा रहे हैं नागिन की तरह साइड से बचते हुए। ये देखें, आगे की दिखाते हैं दोस्तों। ये तो दिखा दिए, देखें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश नहीं है, बारिश कई दिन पहले हुई थी। ये देखें कैसे उखड़ गई है पूरी तरह से। काफी समय से एक सड़क खराब है, ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अभी दिखाते हैं कैसे सड़क है, कैसे लोग आ जा रहे हैं सड़क पर से। पानी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये गड्ढे हैं। 5-7 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी तक पानी नहीं सूखा, देख सकते हैं। मुख्य सड़क है, ये देखें बीच सड़क पर कितने बड़े गड्ढे हैं। आप समझ सकते हैं, जब 5-7 दिन से पानी नहीं निकला यहाँ, 5-7 दिन पहले बारिश हुई थी तब से पानी नहीं निकला यहाँ का, और सड़क के बीचों बीच में इतना बड़ा गड्ढा। कल रात में किसी ने फोन किया था, भाई साहब गाड़ी बंद हो गई है, गड्ढे में गिर गई है। मैंने कहा चलो देखता हूँ सड़क कैसी है, तो देखें आप भी देखें सड़क कैसी है। वो आगे कार वाले भाई साहब आ रहे हैं, देखना कैसे साइड से बच के आ रहे हैं। रात्रि में लोग आते हैं तो बीच से ही जाते हैं और फंस जाते हैं गड्ढे में। ये देखें कितना बड़ा गड्ढा है बीच सड़क पर। सेक्टर 10 से 11 की तरफ जाता है ये रोड, अश्वनी हॉस्पिटल की तरफ। आपने देखा होगा, तमाम दोस्तों ने देखा होगा इस सड़क को। ये देखें कार वाले भाई साहब अंदर होके जा रहे हैं, थोड़ा साइड में ऐसे ही जा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब अली साहब, भाई साहब कब से सड़क खराब है बता सकते हैं आप? 2 साल हो गया जो है। 2 साल हो गए, इतना बुरा हाल है। भाई साहब मुख्यमंत्री जी बगल में आ रहे हैं अभी 1-2 घंटे बाद, जो है सीएम खट्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, तो लोग कह रहा है कि इस सड़क से ले जाओ, जो है आपका क्या कहना है? सड़क से ले जाओ तभी उनको पता चलेगा कि फरीदाबाद का कितना बुरा हाल है। अच्छा, और बहुत ज्यादा बुरा हाल है। किसी भी रोड पे चले जाओ कोई रोड सही नहीं है, गड्ढे और पानी। यहाँ पे जब बारिश होती है ना, हाँ, तो पता नहीं चलता रोड में गड्ढा है गड्ढे में रोड है। आप भी साइड से जा रहे हैं, और रात में किसी ने कहा भाई साहब हम जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी यहाँ? जो हो जाता है, बहुत बार हो जाता है, गाड़ियाँ डूब जाती है, बंद हो जाती है, लोगों की गाड़ियाँ भी खराब होती है। तो हम देख रहे हैं भाई साहब बता रहे हैं, ज्यादा परेशानी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, देख रहे हैं दोस्तों। भाई साहब से ऊपर हो गए 2 साल से नहीं हो रहा, बस जोड़ इतना बना के जोड़ दिया। अच्छा, इससे अच्छा पहले ही था। अच्छा अच्छा, बनाते तो ठीक था ना? हाँ हाँ, ठीक भाई साहब, थैंक यू। हम देख सकते हैं लोग नाराज हैं, क्या कह रहे हैं आप देखें। 2 साल से ऐसा है, जैसे अभी कार वाले भाई साहब ने बताया कि ये सड़क 2 साल से ऐसी है, आज से ही नहीं। देखें कैसे जाते हैं, साइड से जाते हैं गाड़ी वाले। ये देखें, और दिखाते हैं, यही नहीं कि एक ही गड्ढा है सड़क पर। हम थोड़ा पैदल चल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखें लंबा, लगभग 100 मीटर तक पानी ही पानी मुख्य सड़क पर, 100 मीटर तक मुख्य सड़क पर पानी ही पानी। सेक्टर 11 फरीदाबाद, ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ से तो गाड़ियाँ निकलना ही मुश्किल है बिल्कुल। जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है, ये है फरीदाबाद। अभी फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने
प्रेस वार्ता किया था और विधायक जी ने एफआईआर लेकर प्रेस वार्ता किया था। लोगों ने कहा स्थानीय समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दें विधायक जी। ये देखें साइड से जो लोग चले जाते हैं, दिन है, रास्ता दिख रहा है कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, लेकिन रास्ते में लोग फंस जाते हैं इन्हीं गड्ढों में, गिरकर घायल हो जाते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया भाई साहब ने, 2 साल से यही हाल है, समझ सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है। शायद यही वजह है कि सीएम साहब को कहा जा रहा है कि एक बार यहाँ से गुजरे हैं आप, यहीं आ रहे हैं हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में। सीएम साहब अभी 4 बजे जनता दरबार को संबोधित करेंगे, तो ग्रीवेंस कमेटी को कल जनता दरबार है सीएम साहब का। ये देखिए काफी दूर तक यही हाल है, यहां से लेके उधर पेट्रोल पंप तक, जहां नदी कोर्ट पड़ता है, फरीदाबाद की अदालत पड़ती है। अब देखें वो स्कूल की बस आ रही है, साइड से वो भी निकलेगी। ये देखें बस से निकल जा रही है, बस भी बीच में घुटना पसंद नहीं बस को भी, कहीं बंद ना हो जाए। आगे भी यही हाल है, गड्ढे ही गड्ढे, पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। सड़क का अस्थि पंजर पूरी तरह से उखड़ गया है, तो कार वाले भी भाई साहब आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हिसाब किताब खराब है। दोस्तों वीडियो शेयर कर स्थानीय विधायक जी को बताएं कि आपके पड़ोस की ही सड़क बहुत खराब है और जल्दी बनवाएं इसको। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, देख रहे हैं आप, काफी कुछ दिखा दिया आपको।